नॉर्म्स लो। इसके अंदर अपन ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जिससे अपन ने जो इससे बेस्ट अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, जैसे कि अपन ने ये फॉर्मूला करके भी किए थे, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस ऑफ थीटा, ये रिजल्टेंट का अपन ने फॉर्मूला लगा के इसे अपन ने क्या किया, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन भी किए थे और अपन ने डायरेक्शन निकालना भी सीखी थी। जैसे कि अपन ने चार्जेस लिए थे क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, इसके अंदर जो दो चार्जेस है इनके बीच में फोर्स कैसे लग रहा था, मतलब कि एफ वन टू एफ टू वन इस टाइप से, और इनके बीच में जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो साइन आता है इन साइंस के ऊपर जो फोर्स लग रहा था बीच के अंदर वो किस तरह व्यक्त कर रहा था, ये सब अपने अपन ने अभी तक पढ़ा था। अब अपन इसमें देखें तो अपन इसमें क्या करते हैं, कुछ पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल और देखते हैं। चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करके बताती हूँ पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल का। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल इससे अपन क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और निकाल के देखते हैं। जैसे कि अपन ने क्या लिया, एक क्वेश्चन लिया, ये अपन ने बना लिया, अब इसे क्या रख देते हैं, चार्जेस रख देते हैं इसके ऊपर, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये अपन ने इसमें क्या रख दिए, चार्जेस रख दिए। अब अपन इसमें देखें तो बीच के अंदर जो फोर्स, बीच के अंदर जो चार्ज लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस का कैपिटल क्यू, ये अपन इसके अंदर चार्ज ले लिया। अब ये कैपिटल क्यू अगर इन पे चार्ज लगेगा, इनका अगर इन पे फोर्स लगेगा तो ये फोर्स क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इन पे फोर्स लगाएगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पता ही है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इस पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन पूछा है कि जो नेट फोर्स होगा इस पे वो क्या होगा, व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा इस पे। अब अपन देखिए तो इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। तो चलो अपन इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं जिससे अपन को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अपन ने क्या किया, पहले इनको सेम जो पॉइंट्स है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू इन सबको इधर ले लेते हैं, तो ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, बीच में क्या है कैपिटल प्लस, ये प्लस का क्यू। अब अपन को देखिए जो इसमें अपन पॉइंट ले लेते हैं, साइड लेते हैं, तो साइड क्या होगी इसके अंदर, ए ए ए ए, अपन कौन सी साइड लेते हैं, सारी साइड ए ए ए ए, ये देखो अपन ने क्या ले ली, साइड से ले इसकी। अब आगे क्या करते हैं, अपन इसको पॉइंट से देते हैं, नाम दे देते हैं इनको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब अपन इसके अंदर फोर्स लगा के देखेंगे कि ये नेट फोर्स होता है वो कैसे अपन निकालेंगे, फोर्स लगा के देखते हैं। तो चलो अपन ने क्या किया, जैसे कि ये हमारा बिंदु है, ये हमारा पॉइंट है प्लस क्यू, अब इसने अगर इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, तो इधर जैसे कि फोर्स लगा एफ डी, इधर जैसे कि फोर्स लगा एफ सी, इधर जैसे कि फोर्स लगा एफ डी और इधर जैसे कि फोर्स लगा ये एफ ए, क्योंकि ये ए अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेंगे, तो अगर एफ ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ भागेगा तो ये क्या आ जाएगा, एफ डी आ गया। अगर ये इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ की फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के स्मॉल क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू यही होगी ना, के स्मॉल क्यू क्यू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, के स्मॉल क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर इसकी भी यही वैल्यू होगी, के स्मॉल क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इन सब की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। अगर ये आपस में सबकी वैल्यू इक्वल हो रही है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो कट हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। अपन ने ये पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल इसमें करके देखा,
कि नेट फोर्स है वो किस टाइप से निकाला जाता है। जैसे कि अपन को ये क्या दिए गए हैं, ये प्लस क्यू को ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसके पॉइंट्स दिए गए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। बाद में अपन इसको सोल्व करने के लिए एक और बनाया इससे प्लस क्यू, फिर अपन इस पे फोर्स लगाया, इससे फोर्स लगाया तो अपन इसके साइड से ए ए ए ए, फिर अपन ने क्या किया इसके अंदर ये पॉइंट्स लेंगे ए बी सी डी, फिर ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी। फिर पॉइंट ये फोर्स जो आया इसका जो फॉर्मूला है फोर्स का एफ का जो वैल्यू होती है वो ए क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये तीनों ये चारों की जो वैल्यू है वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी, तो एक दूसरे से ये सब क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे तो इनमें क्या होगा नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। तो नेट फोर्स निकालना आपको मैंने बता दिया, अब अपन इसमें क्या करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे। परमिटिविटी देखते हैं अपन, क्या देखते हैं अपन परमिटिविटी, हिंदी में विद्युतशीलता। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहले मैं राइट आउट कर देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन, पहले मैं राइट आउट कर देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो देखो परमिटिविटी, तो ये मैंने क्या लिख दी डेफिनेशन लिख दी इसकी, परमिटिविटी इज ए मेटेरियल प्रॉपर्टी दैट अफेक्ट्स द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन द मेटेरियल। यानी कि ये जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो प्रॉपर्टी है जो अफेक्ट करती है मेटेरियल्स के बीच में, जैसे कि अपन क्या करते हैं ये चार्जेस लिए एक क्यू1 ले लिया और एक क्या ले लिया क्यू2 ले लिया, अब इसमें फोर्स लगाएंगे जैसे कि F1 F2 फोर्स लगाया तो इधर F1 लगेगा इधर F2 लगेगा क्योंकि दोनों किसकी है पॉजिटिव की है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। F का फॉर्मूला अपन को पता ही था, किसी पढ़ा ही था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने देखा ही था, जिसमें के क्या होता है के कांस्टेंट होता है। ये अपन इसकी परमिटिविटी की डेफिनेशन देख ली, अपन इसकी डेफिनेशन तो देख ली, अब ये क्या करता है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये किस पे निर्भर करता है मीडियम पे निर्भर करता है। जैसे अपन ने डेफिनेशन यहाँ पे देख ली तो अपन इसको क्या करते हैं रब कर देते हैं, चाहो तो आप नोट कर लो इसको अपन क्या कर देते हैं रब कर देते हैं। मीडियम इसका मतलब क्या है, इसमें मीडियम पे निर्भर करता है, यानी कि वो वैक्यूम में हो एयर में हो लिक्विड में हो किसमें भी हो वो किस पे डिपेंड करेगा मीडियम पे डिपेंड करेगा। और मीडियम पे डिपेंड करेगा तो इसमें फॉर्मूला था एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन एफ, यही था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन F। अब इसमें एप्साइलेंट है वो क्या होगा, एप्साइलेंट है इसमें वो क्या होगा 1/F, और जो वैक्यूम है जो K है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगी वैक्यूम में होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू है K की वो K क्या था कॉन्स्टेंट था, पर इसकी जो वैल्यू है मीडियम ये जो परमिटिविटी है ये डिपेंड किस पे करेगी मीडियम पे करेगी, तो इसका जो वैक्यूम पे है वो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा किस पे होगी वैक्यूम पे होगी। अगर अपन को परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ानी है तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है कम हो जाती है, अगर मीडियम में जो परमिटिविटी की जो मीडियम के हिसाब से
वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब असाइनमेंट नोट होता क्या है कि यहाँ पे लिया तो असाइनमेंट प्रोपोर्शनल वन अपॉन एफ। अब इससे असाइनमेंट नोट होता क्या है, तो ये क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जैसे कि वेक्टर के अकॉर्डिंग से। तो असाइनमेंट नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके अंदर देखें तो एयर में वैक्यूम में इसके अंदर मीडियम के अनुसार तो एयर और वैक्यूम ये अपन ने देखा कि किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। F इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन F और एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 प्रोपोर्शनल किसके है, F के। अब एप्सिलॉन नोट होता क्या है, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की एयर में वैक्यूम में, जैसे भी अपन जिस टाइप से इसको मीडियम में देखते हैं उस टाइप से ये परमिटिविटी होती है। और एफ नोट क्या होता है, अब अपन एफ नोट देखें, एफ नोट क्या होता है, जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है फ्री स्पेस के अंदर जैसे एयर वैक्यूम इन सब के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ नोट से अपन डिनोट करते हैं, एफ नोट से।